क्षणिक संत प्रार्थना कर दी। प्यारे प्रभु जी, इस बाइबल अध्ययन के सेमिनार के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु तेरे दास के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के विषय में गहन अध्ययन किया जा रहा है और कई विश्वासी भाई बहन सुनने वाले प्रभु जी इससे लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में भी प्रभु तेरी बरकत और आशीष और तेरी उपस्थिति बनी रहे। खुदावन, जो भी अध्ययन यहाँ से दिया जाता है प्रभु सुनने वालों के लिए खुदावन एक आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु हमारे पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। खुदावन, तू अपने दोनों दासों को बड़ी कसरत के साथ, बड़े अभिषेक के साथ प्रभु इस वचन की शिक्षा में तू उनको इस्तेमाल कर, ताकि आज का सेमिनार हम सबों के लिए, सुनने वालों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। We welcome you to our weekly Bible study on the miracles of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर हमारी साप्ताहिक शिक्षा के सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। We are very happy that you have joined with us in this Bible study. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और खुश भी हैं कि आप हमारे साथ इन शिक्षाओं में जुड़े हैं। We are looking and studying together the clarification of the miracles. हम मिलकर के जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए उसके संबंध में जो स्पष्टीकरण है या उनमें जो कहना चाहिए विस्तृत जानकारी है, हम मिलकर उसे देख रहे हैं। और we are looking into eight things या आठ about the miracles done by Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार किए गए उसके विषय में आठ बातें हम मिलकर देख रहे हैं। नंबर वन, सबसे पहली बात, the clarification of the miracle, चमत्कारों का स्पष्टीकरण। नंबर टू, दूसरी बात, the calling of the miracle, चमत्कारों का अर्थ। नंबर थ्री, तीसरी बात, the counting of the miracle, चमत्कारों की गणना। नंबर फोर, चौथी बात, categories or groups of miracle, groupings of miracle, चमत्कारों की श्रेणी या उन्हें अलग अलग रूप से दलबद्ध करके समझना। लास्ट वीक वी डिस्कस टुगेदर द कॉजेस और द पर्पसेस ऑफ द मिरेकल। गत सप्ताह हमने मिलकर के चमत्कारों के पीछे का जो कारण था या उद्देश्य था हमने एक साथ सीखा। देन वी study together the condition of the miracle. उसके बाद हमने साथ में मिलकर के चमत्कारों की जो शर्तें हैं उसे हम सीखेंगे। Number seven, the critics of the miracle. सातवीं बात आप देखेंगे चमत्कारों के आलोचक। The characteristics of the miracle. आठवीं और अंतिम बात चमत्कारों का गुण या उनका स्वभाव। You may say why I'm repeating the introduction. हो सकता है आप उससे पूछे कि ये परिचय को मैं पुनः क्यों दोहरा रहा हूँ? Because someone said they missed the introduction of the miracle, so that's why I'm repeating. कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चमत्कारों का प्रस्ताव हमें नहीं मिल पाया था, हम देख नहीं पाए थे, इसलिए मैं इन्हें दोहरा रहा हूँ। Now this will help you to memorize or register these eight things in your mind and in your heart. ना केवल ये बातें आपके मन में, आपके जहन में आपको बेहतर रीति से याद रखने में मदद करेंगी। Let's go over last week's teaching where we discuss the purposes of the miracle or synopsis of the miracle. तो आइए हम पिछले सप्ताह इन चमत्कारों के पीछे के कारण को हमने सीखा था, हम जाकर देखें कौन कौन सी बातें हमने उसमें देखी थी या सीखा था। Synopsis of the purposes. या उद्देश्यों का जो एक संक्षिप्त विवरण क्या हमने सीखा था, आइए देखें। Number, we gave you six things. हमने आपको छह बातें दी थी। Glorification of God. सबसे पहली बात परमेश्वर को महिमा पहुंचाना। Number two, the confirmation of Christ. दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए दावों का पुष्टिकरण। Christ claim, प्रभु यीशु मसीह के जो दावे थे उसमें हम देखते चमत्कारों के द्वारा वो पूरे होते हैं। What were the claims? आप बताइए उन्होंने क्या क्या दावे किए। He was the son of God, वह परमेश्वर का पुत्र था।
He was the Messiah. वह मसीहा था. And he is the savior of men. और वह मनुष्यों का बचाने वाला या उद्धारक था. So when you look to the when you study the miracles of Jesus, तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को पढ़ते हैं, either you will see all these three, या तो आप ये तीनों बातों को उसमें देखेंगे, or you will see one or two of these identification, या इन तीन पहचानों में से आप एक या दो को देख पाएंगे. Number three, तीसरी बात जो हमने देखी, demonstration of God's power, परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण. It's not a magical power, याद रखें ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, but in the miracles you will see divine power, लेकिन आप चमत्कार में देख सकते हैं दैवीय सामर्थ्य. Clear demonstration of God's power, और स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण. Then you will see, उसके बाद फिर आप देखते हैं, where through the miracle the purpose was to bring the power of Satan and evil under his control. आप देख सकते हैं जो अगला उद्देश्य या लक्ष्य था, शैतान की ताकतों को या बुराई को अधीनता में लेकर के आना. Number five, पांचवी बात, to remove, eliminate, elevation of the human needs, कि लोगों की जरूरतों को पूरा करना. नंबर सिक्स, छठवीं बात हम देखेंगे, एजुकेशन अबाउट मैटर्स ऑफ फेथ, और विश्वास के मुद्दों के विषय में शिक्षा देना या लोगों को सिखाना. थ्रू द मिरेकल पीपल विल कम टू नो क्राइस्ट. आप देखिए इन चमत्कारों के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख पाएंगे, जान पाएंगे, और दे स्टार्ट बिलीविंग इन क्राइस्ट, या फिर वे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे. लेट्स गो एंड गो इन अ डिटेल नाउ. आई जस्ट गेव यू सिनॉप्सिस. नाउ वी विल पिक अप 12 पर्पसेस ऑफ क्राइस्ट मिरेकल. आइए अब हम और भी विस्तृत रूप से 12 कारणों को देखेंगे कि आखिर क्यों कर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए. As this is the Bible study hour, अब जैसे कि ये बाइबल के अध्ययन का समय है, we'll be reading the scripture together. हम साथ में मिलकर वचन या शास्त्र भाग का पठन करेंगे. I request all the friends who are watching us or join us to open Gospel of John. मैं चाहूंगा हर एक जो हमारे साथ शिक्षा में जुड़े हुए हैं वो यमुना की इंजिल खोल ले. The first purpose is to make believers. सबसे पहली बात विश्वासी बनाना. Seeing the miracle, people believe. आप देखिए चमत्कार को देख करके लोग विश्वास में आए. Gospel of John, chapter 2, verse 23. आप देखिए यमुना 2, उसका 23 हम पढ़ेंगे. जब वह यरूशलेम में फसा के समय पर्व में था, जी हाँ, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया. Many believed in his name when they saw the signs that he was doing. आप देखिए बहुत से लोगों ने जब देखा कि वो चिन्ह चमत्कार कर रहा है उस पर विश्वास किया. So it's very clear for us. अब देखिए हमारे लिए बहुत ही सरल है. The miracle which Jesus performed, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, brought faith in the heart of the people. वह लोगों के दिलों में एक विश्वास को उत्पन्न किया. Not because they saw Jesus, ना केवल इसलिए कि उन्होंने यीशु को देखा, but when they saw the miracles performed by Jesus, लेकिन जो चमत्कार यीशु के हाथों से होते हुए देखा, they believed, उन्होंने विश्वास किया, so they believed on his name, उन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया. Go to chapter 14, अब उसके 14 अध्याय में आप आएं. Gospel of John chapter 14 verse 11, यूहन्ना 14 उसका 11 पढ़ेंगे. मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है. Yes, so क्या है? He's saying very clearly, believe me that I am in the Father.
एंड फादर इज इन मी। तुम ये विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नाउ इट मींस देयर वाज सम क्वेश्चन और देयर वाज सम डाउट अमंग द पीपल। इसका मतलब लोगों के बीच में कुछ प्रश्न था, कुछ शंकाएं थी। सो नाउ ही इज टेलिंग समथिंग एल्स, ही इज एडिंग टू दैट स्टेटमेंट। अब देखिए उस कथन के ऊपर वो कुछ और जोड़ रहा है, कुछ और बढ़ाकर वो बोल रहा है। बोलिए बताइए। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। और एस बिलीव ऑन द अकाउंट ऑफ वर्क्स ड्यूरिंग डेफिनेशन आई गिव यू वर्क साइन वंडर्स। So that is the miracle. अब देखिए मैंने आपको बताया परिभाषा, जब मैं बता रहा था चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य आश्चर्य कार्य ये सारी बातें उन्होंने की। So the miracles were performed so that people will believe in the name of God or they believe in God. अब देखिए लोगों के सामने चमत्कार इसलिए किए गए कि वो परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने ईमान को उस पर लाए। But today when you look to the miracles which are happening in India, लेकिन आप आज देखेंगे जो चमत्कार भारत देश में हो रहे हैं, they are focusing, so-called healers are focusing on themselves. ये जो चमत्कार करने वाले हैं, वो खुद के ऊपर ही सबका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। And they are trying to make people become the followers of so-called healers. और वो ये चाहते हैं कि लोग जो चंगा करने वाले ऐसे अगुए या प्रचारक हैं, उनके अनुकरण या अनुयायी बन जाएं। वार्निंग, आप चेतावनी के रूप में इस बात को सुने। मिरेकल्स वेयर डन सो दैट पीपल विल बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट। चमत्कार इसलिए हुए कि लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पाए। द मोमेंट यू सी ए पर्सन इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन टू देमसेल्फ और attracting people to follow him, he is a wrong person, wrong prophet. आप देख सकते हैं जिस घड़ी जब कोई व्यक्ति चिन्ह चमत्कार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, उसी घड़ी आप समझ लें कि वो गलत है, वो झूठे भविष्यवक्ता है या कुछ गलत शिक्षा वो दे रहे हैं। It's happening all over India now. अब पूरे भारत भर में ये हो रहा है। Watch out. आप सतर्क हो जाएं। Our goal should be, our desire should be that people will be attracted to Jesus Christ. हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य यही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो जाएं। I see all the time people want to be connected to one person because whenever he prays, I am receiving healing. अब देखिए बहुत से लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ लगे रहना चाहते हैं, उससे मिले रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा तभी मुझे चंगाई मिलेगी या मेरे जीवन में छुटकारा आएगा। बाइबल सेज वेरी क्लियरली, बाइबल में बहुत ही स्पष्टता से ये बात लिखा है, दोस बिलीव इन देयर मिड्स दे विल हैव साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स। आप देखिए जो लोग उसके नाम पर विश्वास करेंगे, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य चंगाइयां होकर रहेगी। इट विल हैपन, ये होकर रहेगा। गॉड कैन यूज ए ले पर्सन, परमेश्वर एक मामूली विश्वासी को इस्तेमाल कर सकता है। God can use a young girl. परमेश्वर एक जवान छोटी बच्ची को, लड़की को इस्तेमाल कर सकता है। God can use one college graduate. परमेश्वर जो कॉलेज से स्नातक प्राप्त किए हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। God can use, and I should not use that word, but those who have never been to school. और जो लोग पाठशाला नहीं गए हैं, अशिक्षित हैं, उनको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। I remember something happened in our own home. हमारे खुद के घर में कुछ हुआ, मुझे वो समय याद आता है। I went to do my work. और जब मैं अपने कार्य करने गया, or maybe I was in India that time. Melissa was maybe 5 years old. और बेटी मेलिसा, मैं भारत भी था शायद, मुझे लगता है 12 वर्ष की थी, पांच वर्ष की थी। And my wife had high fever. और मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा बुखार आ गया था। She could not get up from the bed. और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। And Manisha does not want to miss her school. और मेलिसा उस समय पाठशाला छोड़ना नहीं चाहती थी। She said, "Mama, get up. I have to go to school now." उन्होंने कहा, मम्मी आप जल्दी उठे, तैयार करें, मुझे पाठशाला जाना है। I remember it came to my memory. I was in India. और मैं उस समय भारत में ही था, मुझे याद आ गया। She said, "No, I have bad headache and fever." उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार भी है। Melissa, 5-year-old girl, put a hand over
her mother. अब देखिए केवल 5 वर्ष की छोटी सी मलिसा अपने मम्मी के ऊपर ऐसे हाथ रखती है. Now she has not taken a class how to pray for sick person. अब देखिए उन्होंने कभी कोई कक्षा या पाठशाला कहीं गई नहीं सीखा कि कैसे बीमार के ऊपर हाथ रखना है. उन्हें नहीं मालूम. She doesn't know what are the gimmicks of so-called healers. उन्हें ये नहीं पता कि चमत्कार करने वाले क्या-क्या नाटक करते हैं. She didn't have the water from Jerusalem. यरूशलेम का पानी भी उनके हाथ में नहीं था. Not the oil from Holy Land. और पवित्र भूमि से आया हुआ तेल भी नहीं था. And she didn't know how to pray long prayers. और यह भी नहीं मालूम कि लंबी प्रार्थना कैसी करनी है. She just put the hand on her. और देखिए केवल अपना हाथ उनके ऊपर रखा. My daddy is not here. मेरे पिता यहाँ नहीं है. Jesus heal my mummy right now. प्रभु यीशु मसीह अभी इसी वक्त मेरी मम्मी को तू चंगा कर दे. Amen. आमीन. Her fever left her. उनका बुखार वहीं उनसे दूर हो गया. Listen to me carefully. ध्यानपूर्वक आप मुझे सुने. Miracles are happening still in India. आज भी भारत में चमत्कार हो रहे हैं. But most of these miracle workers are trying to get fame or get their name up. लेकिन अधिकतर ये चमत्कार करने वाले हैं वो अपने ही नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, खुद ही प्रसिद्धि प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। I have seen flyers or handbills, miracle healing worker in our midst, and the name of the pastor. तो आप देख सकते हैं कई बार इस प्रकार के flyers, इस प्रकार के पत्रिकाएं हमारे पास आती हैं, उसमें छपा होता है चमत्कार करने वाला और फिर वहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है. Before I go to the second purpose, इससे पहले कि मैं दूसरे उद्देश्य में जाऊं, I want to make it very clear and listen every Christian of India. मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहूंगा, हर एक भारत के मसीही आप ध्यान से सुन ले. There is only one healer. केवल एक ही चंगा करने वाला है. His name is Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है. Purpose number two. दूसरा उद्देश्य. Miracles were performed so that prophecy will be fulfilled or to fulfill the prophecy. और चमत्कार इसलिए हुए कि जो भविष्यवाणियां की गई थी मसीह के विषय में वो पूरी हो जाए. Go to book of Matthew chapter 8. आप मत्ती उसके 8 में आ जाएं. Matthew chapter 8. मत्ती 8 में आएंगे. And we'll read verse 17. और उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे. ताकि जो वचन यशया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो. उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. Now, when you connect a few passages like verse 14, 15 and 16, जब 14, 15 और 16 आयतों को आप मिलाकर देखते हैं, you can see the miracles happen. आप देख सकते हैं वहां चमत्कारों को होते हुए. And you Peter's mother-in-law was here. आप देख सकते हैं पत्रस की जो सासू माँ है वह भी चंगी हो गई. Many who were demon possessed. और बहुत से लोग जिनमें दुष्ट आत्मा थी. And he said with the word and heal all those who were sick. और देखिए जितने लोग बीमार थे उन्हें सबको चंगाई दिया. Then he says. और फिर आगे लिखा है. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. देखिए वहां लिखा है कि जो बातें भविष्यवक्ता यशाया के द्वारा बोला गया था उन्हें पूरा करने के लिए किया गया है. Let me put the emphasis on that phrase again. अब वो जो वाक्य कहा गया मैं उस पर जोर देना चाहूंगा. This was to fulfill what was spoken by the prophet. अब देखिए भविष्यवक्ता के द्वारा जो बोला गया उसे पूरा करने के लिए ये चमत्कार हुआ है. Let's pick up another one. आइए हम आगे दूसरे chapter 4 of Luke. अब लूक के हम चौथा अध्याय में आ जाएंगे. Verse 18. लुका 4 का 18 पढ़ेंगे. प्रभु का आत्मा मुझ पर है. हाँ. इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का
सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ठीक। Now, where was this prophecy? बताइए कहाँ ये भविष्यवाणी हुई? Is that was in Isaiah 61? देखिए यशाया 61 में आप देखते हैं ये भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया। Which was fulfilled during the miracles performed by Jesus Christ? जो यीशु ने चमत्कार किया उस दौरान वो पूरा हो जाता है। This prophecy was prophesied some many hundreds ago. मानो सैकड़ों वर्ष पहले ये चमत्कार की भविष्यवाणी कर दी गई थी। The spirit of the Lord is in Isaiah. देखिए यशाया ने लिखा है। The spirit of the Lord God is upon me. परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है। Because the Lord has anointed me. क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। To bring good news to the poor. कि मैं उन गरीबों के लिए शुभ संदेश लेकर आऊं। He has sent me to bind up the brokenhearted. कि टूटे हृदय वालों को मैं ढाढ़स दिलाऊं। To proclaim liberty to the captives. कि जो बंधुआई में हैं, उन्हें मैं स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं। And the opening of the prison to those who are bound. और जो लोग बंधन में बंधुआई में पड़े हुए हैं, उन्हें स्वतंत्र करूं। To proclaim the year of Lord's favor. कि परमेश्वर की उस कृपा के दिन का मैं घोषणा करूं। And the day of vengeance of Our God, और जो हमारा परमेश्वर है उसके बदला या पलटा लेने के दिन के बारे में बताऊं। To comfort all who mourn, कि जो लोग विलाप करते हैं उन्हें शांत बना दूं। Listen to me. ध्यान से सुने। Many prophecies of the Old Testament you can see fulfilled in the New Testament. पुराने नियम के बहुत सी भविष्यवाणियां हैं आप देखते हैं जो नए नियम में पूरे होते दिखाई देते हैं। I know most people will not see that this is a prophecy for Jesus Christ. बहुत से लोग तो देख भी नहीं पाएंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के लिए की हुई भविष्यवाणी थी। But when you read book of Luke, you will see exactly the same thing is quoted. लेकिन आप लुका के इंजील को पढ़ते हैं, आप देखते हैं बिल्कुल यही बात वहाँ लिखी गई है, दर्ज की गई है। Why miracles were performed? आप बताइए चमत्कार क्यों किए गए? Number one. सबसे पहली बात। To make believers. कि विश्वासियों को बनाए। Number two. दूसरी बात। To fulfill the prophecy. भविष्यवाणियों को पूरा किया जाए। Now let's go to the purpose number three. आइए हम तीसरे उद्देश्य में चलें। Go to Gospel of John. यहूदा की इंजील में आ जाएं। Chapter 5. पांचवें अध्याय में। And we'll read a verse 30. उसके 30 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। भाई साहब एक बार फिर से पढ़ दीजिए ना। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनाता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। Now, let's pick up the opening statement. आइए जो शुरुआती दौर में कही गई बात है उसे। I can do nothing on my own. मैं अपने खुद की मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। Let me repeat one more time. मैं फिर से दोहराऊंगा। I can do nothing on my own. मैं अपने खुद की नहीं चला सकता। Now let's come to the last portion of that scripture. आइए उसी आयत के अंतिम भाग में हम आए। परंतु not my own will. मेरी खुद की इच्छा नहीं। But the will of him who sent me. लेकिन उसकी इच्छा पूरा करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। और ये भाई साहब कैसा है वो अखिल सर? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। So you can see miracles which were performed by Jesus Christ demonstrate God's will. तो ये परमेश्वर की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। Miracle must demonstrate God's will, not your will or your faith. ये आपकी जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी इच्छा है, आपकी मंशा चमत्कार प्रस्तुत ना करे परंतु परमेश्वर की इच्छा को वो प्रस्तुत करने पाए, पूरा करने पाए। What should be the desires of Our leaders and pastors. बताइए हमारे अगुए और हमारे पासवानों की मंशा क्या होनी चाहिए? What should be their हिंदी में होते हैं तकिया कलाम? What should be their statement?
उनके जो कथन है तकिया कलाम वो क्या होने चाहिए? It should say, I can do nothing of my own. कि मैं अपने बल से या अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता. But whatever I do, लेकिन जो कुछ मैं करता हूँ, I'm fulfilling the will of God. मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ. Are you doing that? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? To the medical workers, so-called healers, are you doing the will of God? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? Are you doing because you have many other things in favor of you, education, money, fame? क्या आप इसलिए ये सब कर रहे हैं कि पैसा, शिक्षा, प्रसिद्धि आपको मिल पाए? Go to chapter 6 of Gospel of John. यूहन्ना की इंजील में ही रहें, उसके छठवें अध्याय में आ जाएं. Verse 38. 6 का 38 पढ़ लें. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ. मैं उसकी भेजने वाले, मेरे भेजने वाले की इच्छा उसको क्या करने आया हूँ? मैं पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा, पूरी करने के लिए मैं स्वर्ग से उतरा. I have come down from heaven to fulfill the will of him who sent me. जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को मैं पूरा करने के लिए स्वर्ग से आया हूँ. Gee, that was the desire of Jesus Christ. यही प्रभु यीशु मसीह की दिली इच्छा थी. He wanted to do the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते थे. God wants to teach something to Indian preachers and believers. और परमेश्वर भारतीय वक्ताओं को, प्रचारकों को कुछ सिखाना चाहते हैं. You have been sent by God to proclaim and teach the word of God in India. और आपको परमेश्वर के द्वारा भारत में इसलिए भेजा गया है कि परमेश्वर की इच्छा का आप वचन प्रचार करें, उसकी आप शिक्षा दें. Bring very clear through your presentation that you're fulfilling the will of God. अपने प्रस्तुतिकरण के द्वारा आप इस बात को पक्का कर लें कि आप उसकी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं. Because if you know the word of God, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, you will do the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे. Let me repeat one more time. मैं फिर से दोहराऊंगा. If you know the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, you will do the will of God. तो आप परमेश्वर की इच्छा करेंगे. Satan is smart. Don't think Satan is not smart. तो आप ये ना सोचें कि शैतान चतुर नहीं है. Is very smart. तो बहुत चतुर है. One of the tool which he uses among the believer is to bring the spirit of ignorance. वो देखिए अज्ञानता की आत्मा लोगों के बीच में वो भेज देता है. If you are ignorant of the word of God, you will do everything which is contrary to the will of God. यदि आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तो आप जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, यदि वचन को आप नहीं जानेंगे उसकी इच्छा के विरुद्ध आप करेंगे. There are many people, they are doing their own will. आप देखिए बहुत से लोग हैं जो अपनी मनमानी करते हैं. It was not the will of God to sell the water or oil to the healing. चंगाई के लिए तेल और पानी बेचने के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं कहा या उसकी इच्छा कभी नहीं थी. Because they don't know the word of God. क्योंकि जबकि उन्हें प्रभु का वचन नहीं मालूम, they are teaching this one. वो ये शिक्षा दूसरों को दे रही है. You will be shocked to hear there are many pastors, they sell bottled water and say, if you drink this water, you will be healed. आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जानकर बहुत से परमेश्वर के वचन के सेवक हैं जो इस प्रकार से पानी को बेचते और बोलते हैं आप यदि पानी को पी लें तो आप चंगे हो जाएंगे. They sell the handkerchief. They said, I put my hand on this kerchief. I'm going to put in the mail. You touch it, you will be healed. आप देखिए वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने इस रुमाल को छुआ है, इस पर मैंने प्रार्थना किया है, आप इसे खरीद ले, छू ले और आप चंगे हो जाएंगे. Healings were not performed for getting money or fame. आप देखिए चंगाइयां इसलिए नहीं हुई कि लोग पैसे कमाएं या प्रसिद्धि प्राप्त करें. Healings were performed to fulfill God's will. चंगाइयां इसलिए हुई कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी की जा सके. Let's read one more passage in book of Hebrews. आइए हम एक और शास्त्र भाग पढ़ें इब्रानियों की पत्री से. Chapter 10.
दसवां अध्याय that gives you why he has come, why Jesus came to this world. आप देखेंगे वहां आपको मालूम चलेगा कि आखिर क्यों कर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए. Verse 7. सातवीं आयत पढ़े. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ. पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं. तेरी इच्छा पूरी करूं. He came to fulfill God's will. वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया. Every Christian, every pastor must pray. हर एक परमेश्वर के जन सेवक पासवान को ये प्रार्थना करना चाहिए. I want to fulfill your will. प्रभु मैं तेरी ही इच्छा पूरी करने चाहता हूँ. Through my life, मेरे जीवन के द्वारा, through the ministry, सेवकाई के द्वारा, I want to fulfill your will. मैं तेरी ही इच्छा पूरी करना चाहता हूँ. Purpose number 4. चौथे उद्देश्य में हम आएंगे. Go to Gospel of John again. और चौथे उद्देश्य में जाने के लिए आइए यूहन्ना की इंजील में हम फिर से एक बार जाएं. Chapter 5. पांचवें अध्याय में आए. माफ करें, लुका की इंजिल में आए. लुक 13, लुका 13 एंड वर्स 16, उसकी 16 आयत पढ़ेंगे. तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती. What is the purpose there? बताइए यहाँ पर उद्देश्य क्या है? Destroy the works of Satan. शैतान के कार्यों को ध्वस्त करने के लिए, उसे निस्तरभूत करने के लिए. This woman was bound by Satan for 18 years. आप देखिए 18 वर्ष तक इस स्त्री को शैतान के द्वारा बंधन में डाला गया था. Not 18 days. 18 दिन के लिए नहीं. Not 18 weeks. 18 सप्ताह के लिए नहीं. Not 18 months. 18 महीने के लिए नहीं. But 18 years. 18 वर्ष के लिए. Jesus came to destroy works of Satan. शैतान के कार्यों को बर्बाद करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए. Some of you are bound by Satan or the evil power in your home. देखिए आप अपने खुद के घर में कई लोग आप में से ऐसे हैं जो शैतान के द्वारा बंधन में पाए जाते हैं. And they are really bound by Satan. आप देखिए शैतान के द्वारा बंधन में पाए जाते हैं. Your thinking has been bound. आपका सोच विचार करने का जो तरीका है वो बंधन में है. Your giving spirit is bound. और आपके दान करने का जो भाव है वो भी बंधन में है. To worship the Lord, the worshiping time has been bound. आपके आराधना का समय बंधन में पाया जाता है. Look to your own family. अपने खुद के परिवार को जरा आप देखें. Many things has been bound by Satan. बहुत सी बातें शैतान के द्वारा बांध दी गई है. As we study the miracles of Jesus together, और जब हम मिलकर के प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए चमत्कारों के विषय में अध्ययन करते हैं. Jesus, you came to this world to demonstrate your power over Satan. प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए कि शैतान के कार्यों के ऊपर अपने सामर्थ को प्रकट करे, उसके कार्यों को नष्ट करे. Jesus destroyed the works of Satan my home. आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में जो शैतान का कार्य चल रहा है तुझे नष्ट कर दे, तू उसे तबाह कर दे. Let me give you a little excellent. Let me take a detour now. मैं यहाँ से थोड़ा अलग हटकर एक और बात आपको बताना चाहूँगा. Satan is not interested in non-believers. आप देखिए शैतान गैर मसीही लोगों में रुचि नहीं रखता. उसको मालूम है तो मेरे चेले हैं. He will go after the followers of Jesus Christ. वो मसीह यीशु के अनुकरण करने वाले लोगों के पीछे जाएगा. And he will bound them easily. और उन्हें वो बंधन में डालेगा. Question comes, how he can bound someone?
आखिर प्रश्न ये आता है कि कैसे शैतान किसी को बंधन में डाल सकता है? Satan cannot bound a strong Christian. आप याद रखें, वह बलवंत मसीही लोगों को नहीं बांध सकता. Very clear in the gospel. आप देखिए, सुसमाचार में बहुत ही स्पष्ट है. How he can bind a strong man? आखिर वो कैसे एक बलशाली व्यक्ति को बंधन में डाले? So if you are bound by evil power, यदि आप and Satan, that tells me you are weak. यदि आप शैतान के द्वारा बंधन में पाए जाते हैं, आप बंधुआई में हैं, इसका मतलब आप कमजोर हैं। Only thing you have to do, एक ही काम जो आपको करना है, believe in the name of Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप भरोसा रखें, make a confession with the greatest simplicity, एक बहुत ही सरलता के साथ आप इस बात का अंगीकार करें, and say, Lord, आप ये बोले प्रभु, I need the deliverance from satanic power. मैं चाहता हूँ कि शैतानी ताकतों से मुझे आजादी मिले. Destroy the works of devil or Satan from my workplace. और मेरे कार्य स्थल से शैतान के कार्यों को नष्ट कर दे. Destroy the works of Satan from my home. मेरे घर से शैतान के कार्यों को नष्ट कर दे. Destroy the satanic power from my finances. मेरे अर्थव्यवस्था से शैतान के कार्यों को नष्ट कर दे. Some of the people, your finances has been bound. कुछ विश्वासियों की अर्थव्यवस्था बंधन में पाई जाती है. Jesus is here today. प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर है. Invite Jesus in your home. अपने घर में यीशु को आप आमंत्रित करें. You will be loose right today. आप आज ही स्वतंत्र हो जाएंगे. Let's go to book of Acts. आइए हम प्रेरितों के काम पुस्तक में आए. Chapter 10. 10वें अध्याय में आएंगे. 10:38. 10 के 31 को हम पढ़ेंगे. 38 को पढ़ेंगे. 10:38. 10 का 38 प्रेरितों का पुस्तक. परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया. वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे. They who were oppressed by the devil. वे लोग जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे. अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. Now, two things you can, I want to bring to your attention. दो बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा. It says, God anointed Jesus of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह ने नासरी यीशु का अभिषेक किया. With the Holy Spirit and with power. पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा उनका अभिषेक किया. Now there are many purposes are there for the baptism of the Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के कई उद्देश्य पाए जाते हैं. We'll do the teaching sometime during fall season. Baptism of the Holy Spirit. आप देख सकते हैं पतझड़ के मौसम में यदि परमेश्वर ने चाहा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में हम शिक्षाएं देंगे. Here he was anointed with the Holy Spirit and with the power. आप देखिए पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा उसका अभिषेक किया गया. Now this power and this Holy Spirit was not given to Jesus for his public demonstration. आप देखिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया गया. For his own gain and profit. अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के प्रसिद्धि के लिए उसे नहीं दिया गया. But what Bible says? लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? He went about doing good and healing all. आप देखिए वो भले कार्य करता और चंगाई और चिन्ह चमत्कार करते हुए चला गया. Not some, थोड़े नहीं, healing all who were oppressed by the devil. सबको जो दुष्टात्मा के द्वारा प्रताड़ित थे उनमें से हर एक को, थोड़े लोगों को नहीं, सबको उसने ठीक कर दिया. What it teaches you? आपको ये क्या सिखाता है? What you can learn from these two passages? इन दो शास्त्र भागों से आप क्या सीख सकते हैं? That God did perform miracle to destroy the works of devil or Satan. और शैतान के कार्यों को ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए. Let's take one more passage. आइए एक और शास्त्र भाग हम देखें. From Epistle of John. यहूना की First Epistle. पहला यहूना की पत्री. Chapter 3. तीसरा अध्याय. Verse 8. आठवीं आयत पढ़ें.
जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। Again, let me take a little detour here. यहाँ पर फिर से अलग हटके एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। This is not the teaching of Pentecostal Church at RC. आप ये ना सोचे कि ये शिक्षा Pentecostal Church of God at RC की है। It is in the Bible. यह बाइबल में है। Whoever makes a practice of sinning, जो भी पाप करने के लत में या पाप में पड़ा हुआ है, is of the devil. वह शैतान की ओर से है। I'm not saying you are devil. मैं ये नहीं बोल रहा आप शैतान हैं। What I'm saying is, मैं क्या बता रहा हूँ? According to this passage, इस शास्त्र भाग के अनुसार, whoever makes a practice of sinning, जो भी पाप में पड़ा रहता है, पाप करता रहता है, is of the devil. वह शैतान की ओर से है। Then it says, आगे लिखा है, for the devil has been sinning from the beginning. क्योंकि जो शैतान है, वो तो आदि काल से शुरू से ही पाप करता आ रहा है। Oh, then I like the second portion of this scripture. और दूसरा भाग जो इस आयत का है, मुझे बहुत पसंद है। The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट करे, उन्हें तबाह करे। Church, believers, विश्वासियों, friends in India. भारत में जो मेरे मित्र पाए जाते हैं, Listen to me very clearly. आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। Jesus Christ came to destroy the works of the devil. प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के कार्यों को नष्ट करें। If you are bound by satanic power, यदि आप शैतान के ताकतों के द्वारा बंधन में पाए जाते हैं, invite Jesus in your home. आप अपने खुद के घर में यीशु को आमंत्रित करें। Invite Jesus into your home. मैंने कहा आप अभी यीशु को अपने घर में आमंत्रित करें। Don't wait till Sunday. रविवार का आप इंतजार ना करें। Don't wait till some healing crusade. कोई चमत्कारी सभाओं का आप इंतजार ना करें। Bring Jesus into your home right now. आप अभी इसी वक्त यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। Jesus came to destroy the works of the devil. प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो दुष्ट शैतान के कार्यों को नष्ट करें। Go to John 10:10. यूहन्ना 10:10 में आ जाएं। The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. पढ़िए भाई साहब जान। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। पर्पस नंबर 5। पांचवा उद्देश्य, टू गिव अबंडेंट लाइफ, और बहुतायत का जीवन लोगों को देने के लिए। It didn't say everlasting life. देखिए वहां पर अनंत काल का जीवन नहीं लिखा है। It didn't say eternal life. देखिए वहां पर अनंत जीवन भी नहीं लिखा है। But it says abundant life. वहां पर लिखा है बहुतायत का जीवन। My God is a good God. मेरा प्रभु यीशु मसीह एक भला परमेश्वर है। Purpose number 5, to give abundant life. और एक बहुतायत का जीवन देने के लिए वह आया। Now let's pick up number 6. आइए हम छठवें बात पे चलें। To confirm his sonship and messianic claims. उसके पुत्रत्व और मसीहा होने के उस वजूद को अस्तित्व देना, प्रमाणित करना। We have seen in the synopsis of purposes. आप देखिए हमने उद्देश्यों के संक्षिप्त विवरण में इस बात को देखा। We said that confirmation of Christ's claim. आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जो जो दावे किए थे उसको पूरा करने के लिए उसने किया। Son of God, number one. सबसे पहली बात परमेश्वर का पुत्र। Number two, the Messiah. दूसरी बात मसीहा। Number three, Savior of men. आप देखिए लोगों का या मनुष्यों का उद्धारक। Now let's look to John chapter 5. अब आइए हम यूहन्ना 5 को देखें। Verse 17. 17 आयत पढ़ेंगे। उस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। और मैं भी सोता हूँ, काम करता हूँ। चले आगे जाइए। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल
सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इफ यू जस्ट रीड केयरफुली प्रेयरफुली यू विल सी ही कन्फर्म्स हिज ओन सनशिप। आप देख सकते हैं, ध्यान पूर्वक यदि आप पढ़ें, अपने पुत्र होने के उस तथ्य को वो वहां प्रमाणित करता है। पढ़िए 18वां फिर से पढ़िए। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। 19 में जाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, जी हाँ, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। In these three verses, इन तीन आयतों में John 5:17-19, यूहन्ना 5:17-18-19, you can see the relationship of Jesus Christ with the Father. आप पिता के साथ यहाँ पर पुत्र के रिश्ते को देख सकते हैं। And he's saying from, you can see he's making his statement now. और यहाँ वो एक कथन कहते हैं, आप देखिए ध्यान से। The Son can do nothing of his own accord. अपने खुद के इच्छा से पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता। But only what he sees the Father is doing. लेकिन वही कार्य जो वो पिता को करते हुए देखता है। Look how Jesus Christ is connected to the Father. आप देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से जुड़े हुए हैं या कैसे उनके संबंध में पाए जाते हैं। Whatever the Father does, जो कुछ भी पिता करता है, Son does likewise. और पुत्र भी वैसा ही करता है। Let's pick up another passage. आइए एक और शास्त्र भाग हम देखें। Chapter 10 of Gospel of John. यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय। Verse 25. 10:25. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ, मैं तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते, करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह है। वे ही मेरे क्या है? गवाह है। ना आगे जाइए, नीचे आ जाए, 36 में आ जाए। परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ठीक है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। ये कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 29 36 में आए। 36 तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, जी हाँ, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसीलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I am the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ, जी हाँ, तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। One of the best passages to explain the claim of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के दावों को पुष्टि करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए सबसे उत्तम ये शास्त्र भाग है। Confirms the sonship by looking the works, sign, wonders or miracles. चिन्ह, चमत्कारों और चंगाई के कार्यों को देख करके प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व को ये बातें प्रमाणित करती है। It says, believe the works that you may know and understand the Father is in me and I am in the Father. और
इन कार्यों को चमत्कारों को देख करके तुम इस बात को जान लो, विश्वास करो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। Let's see more examples. आइए कुछ और उदाहरणों को हम देखें। Gospel of John chapter 14 और यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय में आ जाए। We'll come verse 10 and 11. 10 और 11 आयत हम देखें। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जी हाँ, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। We have seen this passage before. पहले भी हमने इस शास्त्र भाग पर देखा। But I want you to write down in your notes. लेकिन मैं चाहूँगा आप अपने नोट्स में इसे लिख लें। Go to chapter 15. 15 अध्याय में आए। And we'll read verse 24. उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। If I had not done among them the works that no one else did, they would not guilty of sin. यदि मैं उनके बीच में उन कार्यों को नहीं करता जो दूसरों ने नहीं किया तो पाप के प्रति वो दोषी नहीं ठहरते। But now they have seen and hated both me and my father. लेकिन अब उन्होंने देख लिया और ना केवल मुझसे परंतु मेरे भेजने वाले मेरे पिता से उन्होंने घृणा किया। Confirming his sonship. उसके पुत्रत्व की पुष्टि करते हैं। Showing the relationship with his father. अपने पिता के साथ उसके रिश्ते को यहाँ दिखाते हैं। Now let's go what happens in chapter 20. आइए हम 20 अध्याय में क्या होता है देखें। Chapter 20 verse 30 and 31. 20 का 30 और 31 आयत देखेंगे। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। अब धीरे जाएं। So that you may believe कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। Jesus did many other signs and wonders. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत तेरे और भी चिन्ह चमत्कार किए। He did many miracles. उसने बहुत से चमत्कारों को किया। And Bible says, बाइबल में लिखा है, so that you may believe, ताकि तुम विश्वास करो, that Jesus is Christ, the Son of God. कि प्रभु यीशु मसीह मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। Listen to me. आप मेरी बात सुनें। Miracles were performed चमत्कार, so that people will believe he is the son of God. चमत्कार इसलिए किए गए कि लोग विश्वास करें कि वह परमेश्वर का पुत्र है। Let me give you one more passage from book of Acts. एक और शास्त्र भाग प्रेरितों का पुस्तक से आपको देना चाहेंगे। Chapter 2, दूसरा अध्याय, 32, 32 आयत। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। वी आर सेइंग टू द वर्ल्ड टुडे, आज हम दुनिया से इस बात को कह रहे हैं, द वन हु परफॉर्म मेनी मिरेकल्स, जिसने इतने सारे चिन्ह चमत्कारों को किया, ही इज द क्राइस्ट द मसीहा, वही सन ऑफ गॉड मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। Do you believe in the Son of God? क्या आप इस क्रिस्ट पर, इस मसीहा पर विश्वास करते हैं? If you believe in the Son of God, यदि आप इस मसीहा पर विश्वास करते हैं, Bible says you may have life. आप देख पाएंगे, बाइबल लिखा है कि तुम्हारे पास जीवन होगा। I didn't like the English translation here. अंग्रेजी अनुवाद मुझे यहाँ पसंद नहीं आया। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। Amen. Very powerful. Amen. That बहुत by believing his name, you can have life. उसके नाम पर विश्वास करते हुए तुम बहुतायत का जीवन पाओ। So the miracle should bring or produce faith in Jesus Christ. आप देखिए जो चमत्कार है वह मसीह में आपके विश्वास को उत्पन्न करना चाहिए।
नंबर सेवन सातवीं बात सेवन सेवन पर्पसेस ऑफ द मिरेकल चमत्कार का सातवां कारण या सातवां उद्देश्य चमत्कार करने के पीछे का Let's put John. We have read John chapter 5 already. यूहन्ना 5 हमने पहले ही पढ़ लिया है. But we skip verse 20. लेकिन 20वीं आयत हमने छोड़ दिया था. John 5 verse 20. यूहन्ना 5 उसका 20. क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो For the father loves the son. आप देखिए पिता पुत्र से प्रेम करता है So it confirms God's love and work through the miracles. तो आप देखिए चमत्कार के द्वारा परमेश्वर के कार्य और प्रेम दोनों को प्रकट करते हैं 19 last verse है For whatever father does, the son does likewise. 19 के अंतिम भाग में लिखा है जो कुछ पिता करता है वैसा ही पुत्र करता है Father loves the son and shows him all that he himself is doing and greater work than these will be shown by him. और पिता जो कुछ करता है पुत्र को दिखाता है क्योंकि उससे प्रेम करता है और उससे भी बड़े बड़े काम पुत्र करेगा ताकि तुम अचंबा करो वी हैव सीन दैट वर्ड मिरेकल मीनिंग वंडर आप देखिए ये शब्द हमने पहले भी देखा है चमत्कार का मतलब आश्चर्य चकित हो जाना व्हेन यू सी मिरेकल्स ऑफ जीसस जब आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखते हैं नॉट ओनली आई सी हिज पावर थ्रू द मिरेकल ना केवल चमत्कार के द्वारा उसके सामर्थ्य को मैं देख पाता हूं नॉट ओनली आई सी हिज कंपैशन ना केवल मैं उसकी दया को देख पाता हूं बट आई सी गॉड्स लव लेकिन मैं परमेश्वर के प्रेम को भी देख पाता हूं पीपल हु वर डिजेक्टेड रिजेक्टेड डाउनकास्ट जीसस वेंट एंड हील्ड देम जो लोग तिरस्कृत थे तुच्छ थे समाज से बाहर कर दिए गए थे प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए God's love will be always there. परमेश्वर का प्रेम सदैव रहता है I thank God for the miracles of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद Where I can learn the power of God. जहां मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में सीख सकता हूं Where I can learn the person of Christ. जहां मैं प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में सीख सकता हूं Number three, where I can learn the love of God. तीसरी बात जहां परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीख सकता हूं Go to Hebrews. इब्रानी के पत्री में आप आ जाएं Chapter 2. दूसरे अध्याय में Hebrews chapter 2, 3 and 4. तीन और चार आए तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने अध्ययन सुनिए ध्यान से सुनिए श्रोतागण ध्यान से सुने क्या लिखा है साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा I thank God for the miracles. चमत्कार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. These miracles are a witness for you and I. ये आपके और मेरे लिए एक गवाह है. It's a witness for God Himself. यह परमेश्वर के लिए गवाह है. Number 8. आठवीं बात. Go to Gospel of John chapter 3. यूहन्ना 3 में आ जाए. With that scripture we are going to close today. और आयत दे करके हम समाप्त करेंगे आज के लिए With point number 8 we'll stop today. और आठवां बिंदु देकर हम समाप्त करेंगे Gospel of John chapter 3 verse 2 3 verse 2 उसने रात को
यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो जी हाँ तो दिखा नहीं सकता। पर्पस नंबर 8, आठवां उद्देश्य, प्रूव दैट गॉड वाज विद हिम, इस बात को प्रमाणित करें कि परमेश्वर उनके साथ था। इट्स वेरी क्लियर इन दिस पैसेज, ये इस शास्त्र भाग में बहुत नो वन कैन डू दीज साइंस, और कोई भी इस चिन्ह को नहीं कर सकता, दैट यू डू अनलेस गॉड इज विद हिम, जब तक परमेश्वर उसके साथ नहीं है वह इस चिन्ह चमत्कार को नहीं कर सकते। गुड बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, प्रेरित 10 में आ जाए, एंड वी विल रीड वर्स 38, द लास्ट पोर्शन, सेक्ट 38b, 10 का 38 और उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। और सब जो शैतान के सताए हुए थे जी हाँ अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। द पर्पस ऑफ द मिरेकल सो दैट पीपल विल नो God the Father is with Jesus Christ. इस बात को प्रमाणित कर पाए कि परमेश्वर पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। God was with him. परमेश्वर उसके साथ था। God willing, we'll see you again Wednesday next week. और परमेश्वर चाहे तो आगामी सप्ताह बुधवार को फिर से एक बार आपके बीच हम आएंगे। I want you to go over these 8 purposes. मैं चाहूंगा कि इन 8 उद्देश्यों से आप होकर जाएं। Let me repeat one more time. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। To make believers, और विश्वासी बनाने के लिए, to fulfill prophecy, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, to demonstrate God's will, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए, destroy the works of devil. Make sure we underline the word works because I'm going to bring something else later on. आप याद रखेंगे कार्य जो है उसे रेखांकित कर लें कि इसमें से और भी कुछ शिक्षाओं को आप सुनेंगे। Number 5, give abundant life. और पांचवी बात, बहुतायत का जीवन देने के लिए। नंबर 6, कंफर्म हिज सनशिप एंड मेसियानिक क्लेम, छठवीं बात, उसके पुत्रत्व और मसीहा होने के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, पुष्टि करने के लिए। कंफर्म गॉड्स वर्ड एंड लव, और परमेश्वर के कार्य और उसके प्रेम को स्थापित करने के लिए। नंबर 8, आठवीं बात, प्रूव दैट गॉड was with him. इस बात को बताना कि परमेश्वर उसके साथ था। Let's close. आइए हम समापन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के लिए जो तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब वह सेवकाई में थे तुम्हें किया और आज भी हमारे बीच में कर रहा है। कई बार इन चमत्कारों के विषय में प्रभु गलत धारणाएं और गलत शिक्षाएं हमारे बीच में आ जाती है, लेकिन हम धन्यवाद करते प्रभु कि बाइबल आधारित जो सही शिक्षा चमत्कार के ऊपर है तूने हम तक पहुंचाया है, जो केवल और केवल तुझे महिमा पहुंचाने के लिए होते हैं प्रभु। होने पाए इन शिक्षाओं के द्वारा जैसे हम आशीष पाए हैं, बहुत से हमारे श्रोतागण जो अलग अलग स्थानों से इन शिक्षाओं को देखते हैं वे भी आशीषित होने पाए, और जिनके बीच में अब तक प्रश्न है, असमंजस्यता है, नाना प्रकार के भ्रम पाए जाते हैं प्रभु, उनके दिलों को तू ज्योतिमय कर दे पिता इन शिक्षाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, कि वह भी चमत्कार को ना केवल सीखे परंतु अपने जीवन में अनुभव करने पाए पिता। वे लोग जो चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम अभी से प्रार्थना करते हैं जब चमत्कार पर शिक्षाओं को वे सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार को देखने पाए, बड़ी चंगाई और छुटकारा को देखने पाए, एक प्रकार से पिता उनके जीवन में पुनर्बहाली इन शिक्षाओं के द्वारा आने पाए प्रभु। तेरा वचन कभी खाली वापस नहीं आता, हम जानते हैं प्रभु इन वचनों के द्वारा तू बड़े बड़े काम कर रहा है। फिर से एक बात, दास डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उन्हें और भी आशीष दे, और भी वचन का अंतर ज्ञान दे, आने वाले समय में शिक्षाओं के द्वारा और भी भेद भरी बातों को हम मिलकर सीखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार हर एक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को तू बहुतायत से आशीष दे। सारा आदर मान जलाल केवल तुझे ही सौंप कर प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन।